और कहाँ होंगे, वहीं खड़े हैं। नो एक्शन, नो ड्रामा, नो थ्रिल, ओनली इंतजार के जज्बात। आपने तो पका डाला, मैं जा रहा हूँ। चुप करो तुम, वहीं खड़े रहो। जब तक हम नहीं कहते तुम वहीं खड़े रहोगे, ठीक है? अरे लेकिन काट दिया। कब से? जी बचपन से। क्या बचपन से यहाँ खड़े हैं? अच्छा आप ये पूछ रही हैं कि मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ? जी ये पूछ रहे हैं। मुझे लगा आप ये पूछ रही हैं कि मैं इतना डैशिंग, इतना हैंडसम कब से हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 2 घंटे से खड़ा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से क्यों खड़ा हूँ। हाँ तो मैं आपको बता दूँ, हसीना आपा ने कहा था यहाँ खड़े रहने को। हसीना आपा? हसीना मलिक, SHO महिला थाना अमीनाबाद। हाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं वो कौन है, लेकिन वो आप कैसे जानते हो उन्हें? अरे कैसे जानता हूँ, अरे चेहरे पे नहीं लिखा कैसे जानता हूँ। अरे भाई हूँ उनका भाई, सबको लगता है हम दोनों जुड़वा हैं। इतनी डिट्टो शक्ल मिलती है हमारी, अगर मैं बाल लंबे करके और सूट पहन के बाहर निकलूँ ना तो कोई नहीं बता सकता वो है या मैं। नहीं नहीं सही बात है, आपका शक्ल मिल तो रहा है हसीना मैडम से, काफी मिल रहा है। वही तो। अब आप 2 घंटा से यहाँ खड़े हैं ना, तो आपने कुछ वहाँ पे कुछ हलचल होते हुए देखा था क्या? कुछ किडनैपिंग, कुछ तो फौजदारी देखा होगा, कुछ कोई आया होगा, कुछ हुआ होगा। अरे कहाँ मैडम, मुझे तो हर जगह सिर्फ मोहब्बत और जज्बात ही दिखाई देते हैं। जज्बात ही हम खाते हैं, जज्बात ही हम उड़ते हैं, जज्बात ही हम बिछाते हैं, जज्बात ही हमारी लाइफ है। अब हमको लगा कि आप हसीना मैडम के भाई है। जज्बात का जो वायरस अभी फैलाया ना आपने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग का, धन्यवाद जी। आपको कोई क्लू चाहिए था ना मैडम? हाँ मिल गया, वो देखिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा। मैडम सर आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? आपके परेशान होने से क्या हो जाएगा? पुष्पा जी कैसे परेशान नहीं हो हम, अब तक जो हो जाना चाहिए था हुआ ही नहीं है। अब तक मास्टर जी और उनके लोगों को पहुंच जाना चाहिए था हमारे कजिन सलमान को किडनैप करने के लिए, लेकिन अब तक पहुंचे ही नहीं है वो। नहीं मैडम सर मुझे लगता है आपने शायद गलत आदमी को ले लिया इस मिशन के लिए। तो फिर और क्या करते हैं हम संतोष शर्मा, हमें इस काम के लिए ऐसा कोई आदमी चाहिए था जिसे मास्टर जी के लोग जानते पहचानते नहीं हो। और वैसे भी हमारा कजिन सलमान हमसे बहुत बार पहले कह चुका है कि वो पुलिस फोर्स के काम आना चाहता है, वो हमारी मदद करना चाहता है। तो हमने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या होगा, इसीलिए इस मिशन के लिए हमने उसे चुना। मैडम सर देखिए कार है। नमस्कार, अभी अभी मिली खबर के अनुसार DSP अनुभव सिंह का किन्हीं अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। ये अपहरण कुरियार घाट के पास हुआ है, जिसकी CCTV फुटेज सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर प्रसारित की जा रही है, जिसमें इस अपहरण की पूरी घटना कैद है। देखिए ये CCTV फुटेज। मैडम सर आपका भाई तो वही खड़ा है, मतलब ये है कि जो वहाँ पर किडनैप होने के लिए खड़ा था वहाँ पर खड़ा ही रह गया है, वो किडनैप ही नहीं हुआ है, और जिसको वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए था वो पहुँच गया है। एक मिनट, ये सब एक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। DSP सर और हमारा भाई जो है सलमान लगभग एक ही कद काठी के हैं, रंग रूप भी सेम है, और यहाँ तक कि उन्होंने शर्ट भी सेम रंग का पहना था। हो ना हो ये जरूर गलतफहमी की वजह से हुआ है, वो सलमान को उठाने आए थे और गलती से DSP सर को ले गए। सब गड़बड़ हो गया है और प्लान के हिसाब से बिल्लू और इकबाल दोनों गए थे मास्टर जी के घर। हम गरीब घर से है, मैं गरीब बाप, ये मेरी गरीब बेटी। मास्टर जी एक मांग भरने के लिए 5 लाख की मांग करते हैं, अब आप ही बताइए ये गरीब बाप गरीब बेटी के लिए ये मांग कहाँ से पूरी करेगा। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी एक लड़का हमारी नजर में है हमारे रितु के लिए। रितु मेरी बेटी, ये मेरी गरीब बाप की गरीब बेटी, शक्ल दिखा ना मास्टर जी को। वो लड़का देसी है पर विदेशी है, मतलब लंदन रिटर्न है, वहाँ हेयर स्टाइलिश का कोर्स किया है उसने, बड़े बड़े सैलून में काम करता है, तनख्वाह भी अच्छी है। बस उसके माता पिता 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे। अब मास्टर जी आप ही बताइए गरीब बाप अपनी गरीब बेटी के लिए 5 लाख दहेज नहीं दे सकता, वो 25 लाख कहाँ से देगा मास्टर जी, कहाँ से देगा। मास्टर जी आपसे बस एक विनती है,
कि मेरी गरीब बेटी का पकड़वा विवाह करवा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मास्टर जी। क्या नाम है लड़के का? शशांक। कहाँ पाया जाता है? हर सोमवार 11 बजे पुरिया घाट पे आता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, फिर दोनों वहाँ से मंदिर चले जाते हैं मास्टर जी। और हुलिया उसका? हर सोमवार सफेद शर्ट पहन के आता है, गोरा है, हट्टा कट्टा है, लंबाई में 6 फीट है, काली आंखें, सफेद गाड़ी से आता है। उसके बाद ही हमने हमारे भाई सलमान से कहा था कि वो शशांक बनकर कुड़िया घाट के पीछे चला जाए ताकि मास्टर जी के लोग वहाँ आए, उसे किडनैप करें और हम उन्हें पकड़े रंगे हाथ। खाली है भाई? भाई आप अपना फोन बंद करके इसमें रख दीजिए। अच्छा, कोई जादू दिखाने वाले हैं? नहीं नहीं, अपने पास रखा है हिफाजत से। हैं? अच्छा है। और अपनी बिटिया का भी फोन रख दें। देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन ये फोन नाम का जो यंत्र है ना, बहुत घातक है। और इसमें कैमरा नाम की जो चीज लगी हुई है वो तो सबसे ज्यादा घातक है। अरे गलती से अगर इधर उधर कोई बटन दब जाए और वीडियो बन जाए और फिर वो वायरल हो जाए, कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ठीक है, गरीब बाप की गरीब बेटी का गरीब फोन। बेटियां आ गई हमारी, इधर इधर। नहीं क्या बड़ी शर्मीली है आपकी बिटिया, हमें तो हाथ भी नहीं लगाने दिया, खुद ही तैयार हो गई शादी के लिए। हाँ हाँ, बहुत शर्मीली है, बहुत शर्मीली। लेकिन मेकअप का सामान तो लाने ही भूल गई। मेकअप का सारा सामान हमारा ही लगा है और इसका तो शगुन बनता है। हाँ जरूर बनता है आप लोगों का। आ जा बेटी, बैठो इधर, देखो कितनी संस्कारी। गरीब बाप की गरीब बेटी नीचे बैठने की आदत है ना, बेटी ऊपर बैठो। अकेले में कुछ बात करनी है मास्टर जी, अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ हाँ आइए। नहीं हमें नहीं, हमें बात करनी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं लड़के से मिल के आता हूँ, अभी अभी उठा के लाए मेरे आदमी उसे। अच्छा करी। हाँ हाँ। ए, क्या रे, क्या बात कर रही है? अभी तो शक्ल दिखा। शक्ल चक्कर शक्ल चक्कर मत पड़े, मैं तो मोबाइल कहाँ है? किसका, तेरा है मेरा? हाँ मेरा मेरा। तेरा मोबाइल? ओ मास्टर जी का आदमी लेके गया। क्या, तू अपना दे अपना दे। मेरा? वो भी मास्टर जी का आदमी लेके गया। तो मैडम सर कैसे आएंगे आप? कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? सारा प्लान उल्टा हो गया है। मैडम सर अब क्या? बिल्लू को फोन लगाओ। हाँ? जल्दी बिल्लू को फोन लगाओ। चीते चीते फोन लगाओ। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। जैसे ही खबर मिले हमको तुरंत कॉल कीजिए, ठीक है? धन्यवाद। हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक है ठीक है, चलो। चंपक जी कुछ? नहीं मैडम। छेदी जी कुछ पता चला? नहीं मैडम। कहाँ चल रहा है कुछ? आप ये देखिए मैडम। का है? हमें जो गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है, इसी की सहायता से किडनैपिंग हुआ है, लेकिन इसका नंबर जाली है। और इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेपर यूज किए गए थे मैडम, वो सब फर्जी थे। ये दोबारा से एक बार वीडियो चलाना, क्योंकि हमें देखना है ये जो मेकअप का किट है ये वहां तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ये देखिए, देखिए मैडम, यही वो आदमी है जो मेकअप का सामान गाड़ी में छोड़ के गया है। नहीं नहीं, वो छोड़ के नहीं गया चंपक जी, उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो लेना भूल गया है, उसे गलती से छूट गया है वहाँ पे। लेकिन सिर्फ इससे हमें क्या पता चलेगा मैडम? नहीं हम समझ पा रहे हैं कि इससे क्या पता चलेगा, सारी कड़ियां आपस में ऐसे बिखर गए ना, हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं आपस में। मतलब अचानक से डीएसपी सर का ऐसा अपहरण होना, ये मेकअप का किट उनकी गाड़ी में पहुंचना, घटना स्थल पे मैडम सर के कजन का होना, और ये पकड़वा विवाह के बाद महिला पुलिस थाना का बंद होना, ये चक्कर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है।
पक्का वो कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी हमारे महिला थाना को बचाने के लिए। हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सारी कड़ियां है ना, ये एक ही माला की लड़ी है, लेकिन हम उसको जोड़ नहीं पा रहे। पता नहीं कहाँ चल रहा है ये हमारे। चंपक जी, आप एक काम कीजिए, मैडम सर का फोन ट्रैकिंग पे डालिए, ट्रेस कीजिए उनका नंबर, ठीक है? जी मैडम। अभी 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 कीजिए, अभी कीजिए। हाँ, अभी। और आप दोनों भी कुछ और पता चलता है तो हमें बताइए। धन्यवाद। जी मैडम। दूल्हा, मास्टर जी ने तो दूल्हा देख लिया है, हम भी तो देख ले दूल्हे की शक्ल। ये बाबा, ये मछली की जगह मगरमच्छ। मैडम सर का कजिन यहाँ होना चाहिए, उसकी जगह डीएसपी सर कैसे आ गए? ये इन मोमेंट पे प्लान चेंज कर देते ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सर, 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 ये क्या दुसाहस है? तुम जानते हो तुमने किसको उठाया है? सर सर, आई एम द स्पाई। आप बिल्लू के पिताश्री हैं? हैं? सर, ये देखिए। सर, ये जानते हुए भी कि हम कौन हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ उठा लाए? मैंने नहीं उठाया सर, मास्टर जी के आदमी ने आपको उठाया। सर, हम बहुत मुसीबत में हैं, आप अपना हाथ और दिमाग काबू में रखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। पको। लेकिन हसीना जी के इस पूरे प्लान में हम कहाँ फिट बैठते हैं? हमारा अपहरण क्यों किया गया? सर, सेम सवाल यार, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे, मतलब मैडम सर के कजिन की जगह आप कैसे पहुंचे? लेकिन सर, आप ये प्लान ना पूरा कीजिए, मिस हसीना के मिस अंडरस्टैंडिंग को आप कंटिन्यू कीजिए। सर सर सर, प्लीज हमें बचा लीजिए, वरना वरना सर, बस मैडम सर जब तक आती नहीं है तब तक आप वही समझ कर रहिए जो वो समझ कर आपको यहाँ पकड़ कर लाए हैं सर, बस। कौन? शशांक, लंदन रिटर्न, हेयर स्टाइलिश ड्यूड। यो यो, कटिंग। नमस्कार, नमस्कार। कौन है आप और हमें उठाकर यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हारी शादी इनकी लड़की के साथ होने वाली है, आज तुम एक नए जीवन का शुभारंभ कर रहे हो। बकवास है ये। नहीं बेटा, इंसाफ है ये। अब देखो, ये गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे खानदान में उन्होंने लाखों रुपए दहेज के मांग ली, कहां से लाते, क्या करते, इसलिए उठा लिया तुम। उत्तम। पिताश्री, आप थोड़ा यहाँ आएंगे? हाँ हाँ। कितने नेक विचार हैं आपके, बिल्कुल हमारी तरह। बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप, हम भी पुरजोर विरोध करते हैं दहेज प्रथा का। वो तो हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए अभी तक चुप है, वरना हमने तो पहले से ही ठान लिया था कि जब भी हमारा विवाह होगा हम दहेज कभी नहीं लेंगे। वैसे हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। वाह, शाबाश, चलो। क्या हुआ? संतू जी, चलिए। मैडम, आसपास ना हर जगह पूछे, मास्टर जी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पता भी होगा तो भी थोड़ी ना बताएंगे, बोलो, मास्टर जी के अनुभव जो ठहरे। ये बात भी सही है। शादी अगर हो रही है तो हो कहाँ रही है? नहीं नहीं मैडम सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डीएसपी सर की शादी अगर इकबाल से हो जाएगी तो फिर उनका क्या होगा? उनकी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी ना मैडम सर, वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? इकबाल के लिए तो ठीक है, चलो उसकी लाइफ ही सेट हो गई, लेकिन डीएसपी सर, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा?
चुप करो संतू। संतू जी। क्या संतू जी? और संतू कुछ नहीं होगा ऐसा। चीता चतुर्वेदी, एक आइडिया है हमारे दिमाग में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हो जाएगा। शहर में जितने भी पंडित हैं, उन सब की एक लिस्ट निकालो। उस लिस्ट में से हर एक को फोन करके पूछो कि आज के दिन वो कहीं कोई शादी करवा रहे हैं क्या। अगर किसी भी शादी पर शक हो, फौरन अलर्ट हो जाओ और उस शादी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है कि मास्टर जी ये शादी करवा रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू पुष्पा जी, चलिए जल्दी काम पे लग जाओ। हाँ जी, ना ना, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ज्यादा धन्यवाद, आप हमको इतना ही जानकारी दिए बाबा। प्रणाम। नहीं कुछ लगा तो फोन करेंगे हम, चिंता मत कीजिए। जी जी, प्रणाम बाबा। मैडम सर, सारे पंडित लोग से लगभग बात हो गया है, कोई भी ऐसा संदिग्ध विवाह करवाने नहीं गया जिस पर शक हो। हाँ, एक पंडित जी हैं, वो पहले फोन नहीं उठा रहे थे, अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम सर, मैडम सर, मैंने उनका फोन ट्रैकिंग पे डाला है। उनकी लास्ट लोकेशन शहर के बाहर अपना गोदाम करके एक गोडाउन है, वहां थी, और उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ था परमानेंटली। एक पंडित को शहर से इतनी दूर एक गोडाउन में क्या काम हो सकता है? अरे मैडम जी, हमको लगता है पंडित जी गोडाउन में मंदिर बनवाने गया होगा। डीएसपी सर और मास्टर जी दोनों वहीं मिलेंगे हमें, इसी गोडाउन में। चलो। ये पापा? कौन पापा? हाँ हाँ, मैं पापा, मैं गरीब पापा, गरीब बेटी का गरीब पापा। अच्छा, ये बताओ ना, ये क्या हो रहा है? डीएसपी सर से हमारी शादी? वैसे तेरी औकात कांस्टेबल से शादी करने की भी नहीं है, डीएसपी सर से हो रही है, खुशी मना। ए बिल्ले, बहुत मजाक सूझ रहा ना तुझे। अच्छा चल, हमारी दुकान पे आना, तेरी बालों का ऐसे अंतिम संस्कार करेंगे ना कि अगले जन्म में बंजर खोपड़ी पैदा होगा तू। चनिया चोली में है, चनिया चोली में रहें, ज्यादा खोजा मत, नहीं तो पकड़ा जाएगा। ये सब एक बार नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, वैक्सीनेशन करके दफना देंगे। अच्छा, वो सुना है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बताओ, जहाँ जाएंगे तुमको लेके जाएंगे, चिंता मत करो। और को बुलाइए। हाँ पंडित जी, बस मैं ला रहा हूँ। ये है दूल्हे राजा। पंडित जी, आप विवाह की रस्में पूरी कीजिए, फिर आ जाए। हमारे होने वाले पिताश्री। कौन? तुम? हाँ मैं गरीब बाप, गरीब बेटी का गरीब बाप। शकल जी का, अगर हसीना जी वक्त पर नहीं आई ना और ये विवाह हो गया तो हम आपकी अर्थी को अपने हाथों से सजाएंगे। समझ गए सर, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये शादी हो भी गई तो मायने नहीं रखेगी, क्योंकि घूंघट में लड़की नहीं लड़का है। ए शकल दिखा, डरा सर को। सर 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 सर, एक बार हम आपसे शादी नहीं करना चाहते, हमको बचा लीजिए प्लीज। सीधा 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 जीते। हाँ हाँ, सीधे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ 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 हाँ। चीता चतुर्वेदी, क्या कर रहे हो? के लिए खड़े हो जाइए। हिलने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। आप सभी को गैर कानूनी पकड़वा शादी और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। किसी को कुछ मत बताना, चुप रहना, बिल्कुल कुछ नहीं बताना।
किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है मास्टर जी, क्योंकि ये सभी ना हमें रिपोर्ट करते हैं। डीएसपी अनुभव सिंह, जनपद लखनऊ, स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित है। और हमें भी देखिए, हम लड़की नहीं है, लड़का है। आ, बहुत तकलीफ दिया। अगर किसी ने मास्टर जी को छुआ भी तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ए, मास्टर जी हमारे भगवान है। हाँ। और हमारे होते हुए हमारे मास्टर जी को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। नहीं राघव, रुक जाओ साहब। बांधो इनको। अब आदेश दीजिए मास्टर जी, इन सब की चिताएं यहीं जला के खाक कर देंगे। ऐसी सजा देंगे इनको कि अगली बार मास्टर जी को छूने से पहले 100 बार सोचेंगे। खत्म कर दो इन सबको। चल। संतू जी, आप कैसे भी करके भाग जाइए। क्या करें, कैसे निकले? मैडम सर,
पूछिए थे बाहर जाके देखो चलो चलो जल्दी जल्दी जाओ जल्दी जल्दी आइए 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 क्या हुआ हीरा जी नहीं चल पा रहे बहुत मैडम सर बहुत सारे हाथी आ रहे हॉकी तलवार जो कुछ मिला सब लेकर आ रहे हैं तो ये इस रास्ते से चलते हैं ना पुष्पा जी ठीक कह रही है चलिए आप लोग जाइए हम नहीं जा पाएंगे नहीं हसीना जी हम जाएंगे तो सब लोग साथ जाएंगे चलो देखिए प्लीज जितना दूर हो सकता है उतना दूर निकल जाइए आप जाइए सब करिश्मा सिंह दूसरों की जान बचाने के लिए आपको खुद की जान दांव पर लगाने का कोई हक नहीं है हम आपको बाहर बुला रहे हैं हमारी नाफरमानियों में एक और नाफरमानी दर्ज कर लीजिए मैडम सर क्योंकि हम आपका ये ऑर्डर नहीं मानने वाले हैं चाहे कुछ भी हो और जहाँ तक बात रही इन सब चूजों की अगर हम यहाँ से बच के बाहर नहीं निकलेंगे ना तो ये लोग भी बच के बाहर नहीं निकलेंगे आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज जाइए करिश्मा सिंह हम जानते हैं कि आप बाहर आएंगी और सही सलामत बाहर आएंगी बाहर आइए जल्दी करिश्मा जी चलिए वो आ जाएंगे खबरदार खबरदार अगर कोई भी हिला तो मैया कसम तुम्हारा बॉडी में इतना पीतल दाग देंगे ना हम कि पोस्टमार्टम के टाइम पे सिर्फ पीतल पीतल निकलेगा सच बता रहे हैं नहीं सर नहीं हम करिश्मा सिंह को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हमें पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगी सही सलामत आएंगी हम यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मास्टर जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन सभी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है उन सभी पर अपहरण जबरन विवाह पुलिस टीम पर प्राणघातक हमला करने की धाराएं लगाई गई है राजेश और सुरभि ने भी अपना बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि हसीना मलिक और महिला पुलिस थाने के विरुद्ध जो उन्होंने बयान दिए थे वो मास्टर जी और उनके पिता के दबाव में आकर दिए थे SHO हसीना मलिक महिला पुलिस थाना अमीनाबाद पूरी तरह से निर्दोष सिद्ध हुई है हसीना मलिक और उनकी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान की रक्षा की और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और दिलेर पुलिस अधिकारियों को हम नहीं खो सकते पुलिस विभाग ये जान गया है कि एक बहुत गहरी साजिश के तहत महिला पुलिस थाने को बंद करवा दिया गया था इसीलिए अब हम ससम्मान महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ फिर से खोलने की घोषणा करते हैं और इस गलतफहमी के कारण
उनके थाने की प्रतिष्ठा को जो कुछ भी क्षति पहुंची है उसके लिए पूरा पुलिस विभाग हसीना मलिक और उनकी पूरी टीम के समक्ष अपना खेद प्रकट करता है। इस घटना से कुछ सिद्ध हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हर थाने के बाहर लगी उस पंक्ति का अस्तित्व अवश्य सिद्ध हो गया जहां लिखा होता है सत्यमेव जयते। हसीना मलिक और उनकी टीम ने इस पंक्ति पर फिर से लोगों का भरोसा साबित कर दिया, जिसके लिए ये सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक बधाई की पात्र है एसआई करिश्मा सिंह, थाना प्रमुख जानकीपुरम, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई जानें बचाई जिसमें हमारी भी शामिल थी। और इनके साहसिक कार्य के लिए पुलिस विभाग करिश्मा सिंह की पदोन्नति करता है और जानकीपुरम का स्थायी एसएचओ नियुक्त करता है। आज हमारे बाबूजी यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता उन्हें, क्योंकि वो हमेशा से हमें एसएचओ बनता हुआ देखना चाहते थे। हमने भी अपना पूरा जी जान लगा दिया था उनका ये सपना पूरा करने में, पर आज जब ये उपाधि हमको मिल रहा है तो पता नहीं, हमको अधूरा अधूरा सा कुछ लग रहा है। वो पूरा खुशी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यहाँ से खुश है लेकिन यहाँ से खुश नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ नहीं, हमें कहीं और होना चाहिए था, जहाँ पे हम सही मायनों में हम होते। पौधे को उखाड़ कर कितनी भी अच्छी जगह लगा दिया जाए, खिलेगा वो अपनी मिट्टी में ही। हमारा महिला पुलिस थाना, जहाँ पे सच का लड़ाई ना पूरा सच्चाई से लड़ा जाता है, जहाँ पर इंसाफ का लड़ाई खुद का लड़ाई माना जाता है, जहाँ पे औरत का स्वाभिमान और उसके अस्तित्व को अपनी जान से भी बढ़कर माना जाता है, जहाँ पर जज्बातों को सबसे ऊपर रखा जाता है, और जिस थाना में हसीना मलिक जैसी काबिल ऑफिसर आपका मार्गदर्शक होती है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, हमें वहाँ होना चाहिए। सर, अगर आप हमें हमारे महिला पुलिस थाना में वापस भेज सकते हैं तो हम आपके आभारी होंगे। हम आपसे विनती करते हैं, हमें वापस वहीं भेज दीजिए। करिश्मा सिंह, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं और आपको अभी और इसी क्षण महिला पुलिस थाने में नियुक्त करते हैं। मैडम सर, जो ऑडियो क्लिप हमें सुनाया गया था, जिसे धोखा मानकर हम अपना आपा खो बैठे थे, फॉरेंसिक विभाग में जब उस ऑडियो क्लिप के प्रमाणिकता का जांच कराया, तब हमें पता चला कि उस ऑडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ हुआ था। संवादों को तोड़ ताड़ कर किसी ने अपने मतलब का बयान बनाया था। जो कोई भी था वो ये चाहता था कि हमारे बीच में नफरत पैदा हो, और बहुत ही घटिया साजिश की है किसी ने मैडम सर हमारे खिलाफ। और जिस किसी ने भी ये किया है ना, उसको हम ढूंढ निकालेंगे और उसको दिखाएंगे करिश्मा सिंह का भौंका। पर उससे भी बड़ा दुख उस बात का है मैडम सर, कि हमने हमेशा की तरह आपको गलत समझा और आपने हमेशा की तरह हमें पलट कर कुछ नहीं कहा। योग्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमें माफ कर सकती है मैडम सर, तो हमें माफ कर दीजिए। हम आपका ये संयम, ये धैर्य हम सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी तरह बन पाए। वेलकम बैक करिश्मा सिंह।
अरे चलो ऐसे ही सही, हमारी कुर्सी तो छोड़ी। हाँ मगर भूलना मत करिश्मा सिंह, हमारा दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुआ। बुलबुल पांडे तोहरा थाने को कभी चैन से जीने नहीं देगा। वेलकम बैक करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाने में आपका फिर से स्वागत है। आप फाइनली अपने घर वापस आ गई और आपकी इस फैमिली ने आपको बहुत मिस किया। हमने भी बहुत मिस किया था आप सबको, बहुत खुशी हो रहा है हमें आज। गुड। आई एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ? रुको एक मिनट। जब आप शादी करके ससुराल आई थी ना, तब आपकी आरती उतारी थी ताकि आप कभी वापस ना जाए। वैसे ही अब महिला पुलिस थाने से कभी वापस ना जाइए। पुष्पा जी, आप ऐसी बातें करके हमको इमोशनल मत किया कीजिए। अब एक मिनट, एक मिनट। अब मैडम सर ने कहा कि ये थाना करिश्मा मैडम का घर है और आरती तो ससुराल में बहू की होती है, तो ये थाना करिश्मा मैडम का घर हुआ कि ससुराल? ससुराल। अच्छा, फिर तो ये हम सबका भी ससुराल हुआ ना? हाँ हाँ, वैसे ही समझ लो। अच्छा, तो पुष्पा जी, फिर हम सबकी आरती होनी चाहिए ताकि हम में से कोई भी ये थाना छोड़कर ना जाए। हाँ तो तुम वेटिंग लिस्ट में काहे खड़ी हो? आओ ना हमारे साथ, तुम्हारा आरती भी उतारेंगे। अच्छा ठीक है। अरे आप दोनों भी आइए ना। अरे सब वहां खड़े हो जाएंगे तो फिर यहाँ से आरती कौन उतारेगा? माँ, मैं हूं ना, मैं सबकी आरती उतारूंगा। हाँ, अरे ये महिला पुलिस थाना आप सबके लिए ससुराल है, लेकिन मेरे लिए अपना घर बिल्लू निवास। आइए माँ। आइए पुष्पा जी। अरे मेरा बोलू बोलू टकलू। आइए आइए। 1 2 3। एक मिनट, एक मिनट। अम्मा आप का हुआ? चीता हम सब है, लेकिन चीता नहीं है ना, चीता भी होना चाहिए। अरे हाँ, है ना? चीता चतुर्वेदी, मैं अंदर देख कर आती हूँ। हाँ जाओ। चीता, 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 चीता आज आया ही नहीं क्या? वो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं। दुकान में नहीं है, नहीं सो रहा है उधर। जय हिंद। चीता आप लोगों को यहाँ नहीं मिलेगा, चीता तो हमारे थाने में है। हाँ? लो अब करिश्मा मैडम यहाँ आई तो चीते का ट्रांसफर हो गया। ओह कांग्रेच। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीता को ना बुलबुल सर ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? लेकिन क्यों? पता नहीं, किसी ने चीता के खिलाफ ना एफआईआर दर्ज करा दी हमारे थाने में। हुँ? ये पक्का उस बुलबुल का चाल होगा, हमारे चीता को फंसा रहा है वो। मैडम सर, अगर ऐसा हुआ ना, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, तो उस बुलबुल को ना मोर बनाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए, बुलबुल पांडे एक पुलिस ऑफिसर है, आई एम श्योर अब उनके पास कोई वजह होगी ये सब करने की। पहले हम जाकर देखते हैं। संतोष शर्मा आइए हमारे साथ। जी मैडम सर। बताएंगे आप कि आपने चीता चतुर्वेदी को क्यों अरेस्ट किया है? बताएंगे ना, काहे नहीं बताएंगे हसीना जी। आपका ये जो चीता है ना, इसने एक मासूम सी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे धोखा दे दिया, और अब हम उसे सजा दिलवाएंगे, वो भी लंबा वाला। झूठा फ्रॉड 420। ऐसा सर ये कहती हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो? देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, चीता ऐसा नहीं कर सकता, उससे होगा ही नहीं। हाँ 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 मैडम सर, हम नहीं किया इससे, मैडम सर झूठा खबर है। हाँ आप एफआईआर दिखाइए प्लीज। लेके आ, एफआईआर की कॉपी लेके जा। ये देखिए, ये एफआईआर देखिए,
इमिस्टी नाम का जो लड़की है उसने चीता के खिलाफ FIR लिखवाया है कि उसने अमर प्रेमी का नकली प्रोफाइल बनाकर उसके साथ में प्यार भरा चैट किया, प्यार भरे वादे किए और उसके बाद में ससुरा मुंह कर गया। काश आज करिश्मा मैडम यहाँ होती। क्या बोले बे? नहीं नहीं सर, मतलब आपके लिए मदद हो जाती ना, आपके केस के लिए अच्छा होता। ठीक है ठीक है। एक मिनट, ये मिस्टी कौन है? अरे वो नमन की बस्ती। अबे नमन कौन है, ये कौन बताएगा तेरा बाप? ऐसा सर, ये कहती हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। बापरे नमन। अरे नमन वो सफाचट रेस्टोरेंट का मालिक है, मिस्टी का बेस्ट फ्रेंड। पर मैडम सर ये देखिए, अमर प्रेमी नाम की तो कोई प्रोफाइल ही नहीं है। कैसे होगा नाना, कैसे होगा? ये जो दरिंदा है चीता चतुर्वेदी, इसने सारा सबूत जो है मिटा दिया है। हमारा FIR के मुताबिक इसने उस लड़की से प्यार भरे वादे किए और जब उस लड़की ने मिलने का बात किया तो ससुर अपना प्रोफाइल डिलीट कर दिया, सारा सबूत मिटा दिया और खुद हो गया 9 to 11। लेकिन लड़की जो है बहुत स्मार्ट थी। उसने कहा किया, सारा प्यार भरा चैटिंग था जो सबूत था उसका स्क्रीनशॉट मार लिया और उस स्क्रीनशॉट के बदौलत, उस सबूत के बदौलत हम इस दरिंदे तक पहुंच पाए और हमारे पास उसका प्रोफाइल फोटो का प्रिंट आउट भी है। अभी बात तो यहाँ बैठे बैठे भी बता सकते थे, इसके लिए इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी? स्क्रीनशॉट्स की कॉपी दिखाइए। ये है प्रिंट आउट। एक मिनट, इस तरह से एक ऑनलाइन प्रोफाइल पर कोई भी किसी के भी फोटो लगा सकता है, इससे ये साबित नहीं होता कि चीता ने इस लड़की को फंसाया है, बहलाया है। हाँ हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं मैडम आप। वैसे भी ये तो चीता है, कोई भेड़िया थोड़ी ना। अबे तू किसका थाने में है बे? आपकी की तरफ सर। ये कौन सा हमारे तरफ, मतलब आपके थाने में सर? ना हमको लग रहा है कि तुमको थोड़ा छुट्टी वुट्टी का जरूरत है। हाँ हाँ सर, हमारी बुआ जी बुला भी रही थी इंदौर वाली हमें। हाँ तो चले जाओ। क्या है कि जब दो बड़े दो सीनियर जब बात कर रहे हो ना तो छोटे बच्चे बीच में बोला नहीं करते हैं। चुप रहो, हमको बात करने दो। अरे साबित करने का टेंशन आप नहीं ना लीजिए हसीना जी, वो चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए। हम किसी ना किसी तरह से ही साबित कर ही देंगे कि जो दरिंदा है, ये जो चीता है, वही अमर प्रेमी है। किसी ना किसी तरीके से साबित कर देंगे सर। अगर चीता बेगुनाह हुआ तो आप जबरदस्ती साबित कर देंगे? अरे जबरदस्ती काहे करेंगे, सबूत के साथ साबित करेंगे भैया। तो ठीक है मिस्टर बुलबुल पांडे, हम भी पूरे सबूत के साथ साबित करेंगे कि चीता चतुर्वेदी बेगुनाह है। चलते हैं, जय हिंद। मगर ये अमर प्रेमी है कौन जिसने अपने प्रोफाइल पे चीते की तस्वीर लगा के रखी है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं पुष्पा जी। जिस दिन पता चल गया ना, मैया कसम ना उसका अमर छोड़ेंगे और ना ही प्रेम। मिल गया मैडम। अमर प्रेमी की डिलीट की हुई प्रोफाइल और उसकी IP एड्रेस से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है, उससे उसका लोकेशन भी पता चल गया। हाँ, कहाँ का लोकेशन है? सफाचट रेस्टोरेंट और ओनर का नाम नमन है। अरे नमन वो सफाचट रेस्टोरेंट का मालिक है, मिस्टी का बेस्ट फ्रेंड। ये नमन तो मिस्टी का बेस्ट फ्रेंड है। इस नमन को दिन में तारों का भ्रमण ना कराया ना तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। हाँ मैडम, हम ही अमर प्रेमी। हाँ हमको मालूम है तुम अमर प्रेमी हो, हमें जो जानना है ना वो बताओ तुम। तुमने अपने प्रोफाइल पिक पे हमारे थाने के चीते का फोटो काय लगा रखा है? वो हमको इंटरनेट पे मिला और हमने लगा लिया। हमको नहीं पता था कि वो पुलिस ऑफिसर निकलेगा। तुमने अपना पिक्चर काहे नहीं लगाया, किसी और का काहे लगाया? बेइज्जती मैडम, हम जवान बाद में हुए लेकिन उससे पहले हमारे बाल गायब हो गए। घर से लेकर कॉलेज तक ना जाने लोगों ने हमें टकला, गंजा,
उजड़ा चमन, क्या क्या नहीं कहा, और अपने गंजेपन को बचाने के लिए हमने चीता जी की फोटो का इस्तेमाल किया। एक बात बताओ, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड मिष्टी को धोखा काहे दे रहे हो? नहीं नहीं मैडम, हम धोखा उसे काहे के लिए देंगे? हमारे माता पिता के बाद वही एक ऐसी लड़की है जिसने कभी हमारे गंजेपन की वजह से हमें कम नहीं आका। हमारी बहुत केयर करती है वो, हमारी सिर्फ दोस्ती नहीं हमारी जान है, और हम उसे बहुत प्यार करते हैं मैडम। लेकिन कभी प्रपोज नहीं कर पाए, डरते थे कि मना कर देगी तो, और किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार गंजा तो नहीं हो सकता ना। और हमें ये भी पता था कि कुछ दिन बाद उसकी लाइफ में कोई आ जाएगा और वो हमें छोड़कर चले जाएगी, इसलिए हम बस उसे एंगेज रखना चाहते थे। इसलिए हम अमर प्रेमी बनकर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उसने एक्सेप्ट भी की, और फिर नमन ने अपने दिल की बात अमन प्रेमी बनकर सब कह दी उससे। चैट करते करते मिस्टी को भी हमसे प्यार हो गया, और जब उसने हमसे मिलने के लिए कहा तो हम बहुत डर गए। हमें अच्छे से पता था कि अगर हम मिस्टी से मिलने जाएंगे तो उसे हमारी सच के बारे में पता चल जाएगा, और हमारे एक तरफा प्यार की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। नमन, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अपना ले, तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, तो तुमको पहले अपने आप को अपनाना होगा, तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना होगा पहले। बिंदास जाकर बोल दो, जो आग इधर है वही आग उधर है, जो प्यार इधर है वही प्यार उधर है, ये गंजपन की दीवार तोड़ दो। नहीं नहीं, हमको छोड़ देगी, हमें पता है, नहीं कभी करेगी एक्सेप्ट हमको। हम उसे कुछ नहीं बताएंगे,